चुनाव जोरों पर हैं और हम हैं मथुरा में, और हमारे साथ हैं मथुरा की सांसद और फिर यहां से चुनाव लड़ रही बीजेपी की टिकट पर हेमा मालिनी जी। यहां तो जोश अच्छा दिख रहा है, आपका कार्यालय घर है, लेकिन आप पे आरोप बताया कि आप मथुरा 5 साल में कम आई। आप कह रही हैं कि मैं 250 बार आई, और 250 शायद जो बोल रहे हैं उनको नजर नहीं आया। अभी क्या करें, अभी आपका बोर्डिंग पास दिखाऊं क्या, कितने बार मैं आई गई। एंड मेरा यहाँ कार्यालय है, मेरा कंटिन्यूस काम यहाँ चलता है, और मैं महीने में 2 बार विजिट करती हूँ, एंड एवरी टाइम आई स्टे हियर फॉर 4 डेज 5 डेज लाइक दैट, एंड आई जनसंपर्क करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं और अपनी प्रस्ताव रखते हैं, अपनी मांगें करते हैं, क्या क्या है, जिसमें से जो जो हो सकता है सब कुछ कराया है, फ्रॉम रोड, बिजली, पानी, सड़क के अलावा सो मेनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उनके पुलिस की कुछ FIR दर्ज हो गया, गरीब लोगों का जितना काम कर सके मैंने किया है। अब तो बिजली मंत्री भी मथुरा से ही हैं, हाँ, यूपी के, तो अभी बिजली की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हर जगह ऑल ओवर यूपी में बहुत अच्छी बिजली मिल रही है, सब घर घर में बिजली पहुँचाया मोदी जी ने, दैट सौभाग्य योजना के तहत में, और महिलाओं को उज्ज्वल योजना में इतनी, सो मेनी विमेन हैव गॉट फॉर कुकिंग कंफर्टेबली, दे आर डूइंग देयर जॉब, एंड मैं गांव गांव में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ उनको, आपको मिला क्या, सब लोग बोलते हैं हाँ मिला है, एक आध बोलेंगे नहीं मिला है, ऐसे ही बोलने के लिए। हाँ, क्या बोलती हैं आप जाके दर्ज कीजिए अपना अपना सब लेटर वेटर देना है, आपको मिल जाएगा, या हमारे कार्यकर्ता आपको दिला देंगे इमीडिएटली। आप पहचान लेती हैं कौन हमारा वोटर है कौन नहीं है? मैं पहचानती हूँ। कैसे पता चलता है दूसरा वाला कौन है? पहचान मालूम पड़ता है जब वो बड़ा रूडली बड़े, हमें नहीं मिला, हम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो मैं बोलती हूँ अरे ये सड़क पे हम खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, ये तो मैंने ही बनाया है भाई, इस पे आप खड़े हैं, और हाउ कैन यू से दैट काम कुछ नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे वो कुछ नहीं हुआ, वो उसका प्रस्ताव दो तो हो जाएगा। जी देखिए, 4 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव लाना नामुमकिन है, ओके, जो पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं हुआ वो अभी हो रहा है, तो ये 4 साल इज़ टू लेस फॉर दिस डेवलपमेंट। तो ये जो दूसरे लोग होते हैं वो देशद्रोही तो नहीं है ना? नहीं नहीं, देशद्रोही मैंने कहूँगी ऐसा नहीं है, they have not done the work, maybe they have not taken it seriously, जो MP बन गया, चलो मैं MP बन गया हूँ, बस उसका वो कुर्सी एंड ऑल द फेसिलिटीज वॉट यू गेट आउट ऑफ द MP, दैट इज देयर, दे लाइक टू एंजॉय एंड बी लाइक दैट, बट मुझे क्या ऐसा इंजॉयमेंट मेरे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ये सब देखा हुआ है। मेरा मकसद यही था कि मैं मथुरा में आऊँ, बिकॉज आई एम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो आई वॉन्ट टू बी हियर and I want to do lot of development here, which very proudly I can say today that I have done lots of work I have done, and yet I have to do a lot. पर आप पर आरोप है कि आप संसद में सिर्फ 39% अटेंडेंस है आपका? बिल्कुल गलत है, कितना बार मैं आई हूँ, how many times I come, and मेरा सारा काम बॉम्बे में भी छोड़ के मैं आती हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, नहीं पार्लियामेंट में, हाँ पार्लियामेंट में भी मैं आती रहती हूँ, हर बार आती हूँ, कभी मेरा अपना पर्सनल कार्यक्रम जो होता है, डांस शोज वगैरह होते हैं या फिल्म शूटिंग होती है, तो उन दिनों में शायद मैंने नहीं आया होगा, अदरवाइज आई बीन अटेंडिंग वेरी वेल। तो जब बिजली मंत्री यहाँ से हैं श्रीकांत जी, ऐसा कहा जाता कि वो टिकट चाह रहे थे और उनके कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है, सी इट्स वेरी स्वाभाविक है, 5 साल के बाद कोई भी आकर कह सकते हैं कि मुझे लड़ना है, तो अभी उन बहुत सारे लोग, ऐसा एक नहीं दो नहीं, मेनी ऑफ देम वांटेड टू स्टैंड फॉर दिस इलेक्शन, मे बी उनका थोड़ा सा दिल दुखा होगा, लेकिन एक बार बीच में मैंने भी सोचा था कि मैं लड़ूं कि नहीं, क्या करूं, देन फिर मेरा दिमाग में आया कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से मेरा लिख के दिया हुआ इतना प्रस्ताव बाकी है, बैलेंस है, all those work I have to get it done, because somebody else comes maybe he will not understand ki the value of it, the importance of that, so the I want to see Mathura developing the way I want, and for which Braj Tirth Vikas Parishad ke jo ek sanstha hai, bahut bada sanstha hai, wo hamare sath juda hai, usme bahut sare mere prastav sab ban ke aane wala hai, jiski wajah se aane wale 2 saal ke andar aap dekhenge या 84 कोस परिक्रमा का कितना डेवलप हुआ है, कुछ नहीं हुआ, अभी होने वाला है,
Plus, so many things we are planning to transform this place into a most beautiful tourist destination, religious tourist destination. तो पिछले चुनाव में आप सेलिब्रिटी हेमा मालिनी थी, इस इलेक्शन में? मैं सिर्फ सांसद हूँ, और सांसद जिसने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है. उस काम का आपको इफेक्ट दिख रहा है कि वोट पिछली बार से बढ़ेंगे? जरूर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि काफी काम किया है मैंने. लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी वो एक हो गए हैं. होने से क्या हुआ? तो क्या हुआ? उनके वोटर आपस में मिलके आपको चैलेंज नहीं करेंगे? कोई और ढंग से कुछ करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सीधा साधा मैं बोलूंगी, मैंने काम किया, और लोग भी, पब्लिक आर ऑल्सो वेरी इनोसेंट सिंपल पीपल. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल, दैट्स मी बीइंग अ डिवोटी एंड द पीपल हु आर ऑल्सो डिवोटी, एंड देन आई एम ए ब्रजवासी, दे आर ब्रजवासी. ब्रज की सेवा करने के लिए मैं आई हूँ, तो उसका एक भाव अलग है. मैं कुछ राजनीति लाकर मैं नहीं करती हूँ, इसमें राजनीति कोई काम नहीं है. मैंने सबके लिए काम किया मथुरा में, कोई भी दल का हो, अगर वो बीएसपी का है या लोक दल का है या एसएसपी का, एवरीबॉडी कम्स टू मी, मतलब जनता, द पब्लिक हु वोट फॉर अदर पार्टीज, बट स्टिल आई हैव डन द वर्क फॉर देम आल्सो बिकॉज दे आर ब्रजवासीज, दैट्स ऑल. अब यहाँ पे इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जब आपने लड़ा तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की थी, अब तो यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फायदा किसका ज्यादा होगा, योगी जी के काम का या मोदी जी के काम का? योगी जी मोदी जी दोनों मिले हैं, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? अभी तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट इजिली होना चाहिए, हो रहा है. किसके काम का असर ज्यादा दिखता है लोगों में, योगी जी का या मोदी जी का? दोनों का दिखता है. इस यूपी इज हैंडल्ड बाय योगी जी. समस्या कोई गायों का है कि गाय बीच में आ रहे हैं, उनके लिए दे वॉन्ट दैट गौशाला, वो सब हो रहा है. अभी आए, एवरीथिंग विल बी डन, इट्स ऑल बीइंग डन. एंड मोदी जी ने तो इतने अनगिनत योजनाएं लाए हैं, उसको काउंट करते करते हम लोग थक जाएंगे, जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं. एवरीबॉडी इज मेकिंग यूज ऑफ दैट, किसान से लेकर गरीब महिलाएं. अच्छा, कहीं पे मैं बोलूं कि आपको गैस मिला नहीं मिला बोलते हैं, बट इट इज ओनली फॉर दोस गरीब वर्ग के हैं, उन लोगों को मिलेगा, नॉट रिच पीपल. सो दैट ऑल्सो पीपल शुड अंडरस्टैंड ना. ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स हैं वो बस एक बात से डर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है, कि कहीं प्रियंका गांधी ना आ जाए उनके एरिया में. आपको भी डर है? डर किस बात का नहीं है, हमारे साथ मोदी जी हैं. जब मोदी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, ड्यू रेस्पेक्ट, शी इज प्रियंका गांधी, इट्स फाइन. बट वेन मोदी इज विथ अस, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. जमीन आसमान का फर्क है. उनके रोड शोज में भी बहुत भीड़ आ रही है, लोग उनको देखने जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स लगता है कुछ? हमारी रैली में भी बहुत भीड़ आती है. देर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी मी ऑल्सो. पर आपको वोट देते हैं तो उनको, वो जहाँ जा रही हैं, अगर वहाँ पर भी अगर भीड़ का मतलब वोट हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज माई पीपल आर कमिंग टू सी मी एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एज अ सांसद हु हैज डन लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ दिस प्लेस. कांग्रेस की स्कीम आई न्याय की, कि 72,000 रुपये साल में हर गरीब परिवार को मिलेगा, 6,000 रुपये महीना मिलेगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा राजनीतिक तौर पर, पोलिटिकली लोग उसकी तरफ आकर्षित? मोदी जी ने इतना काम करा कि किसानों का ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग, एवरी 3 मंथ्स मिलने वाला है, तो वो तो काम हमारा चालू है, तो उसको बीच में कुछ और राहुल गांधी जी बोलने के कोई मतलब ही नहीं है. व्हाई ही हैज नॉट डन ऑल दिस इयर्स? ये उनके पास में था ना, पिछले जब हमारे सरकार, उनकी सरकार थी, 10 साल तक चलाया हमारे सरकार के बाद, बीच में 10 इयर्स दे रूल्ड, व्हाट डिड दे डू? उस वक्त ये सब नहीं सोचा? ये सब सोचने के भी उनका दिमाग में आता है आफ्टर मोदी जी करने के बाद, उनको भी आता है कि हम भी करेंगे. कमाल है भाई. राहुल जी कह रहे हैं कि उनको मोदी जी पसंद है, हिट रेट नहीं है. आपको राहुल जी पसंद है? आई ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच, ही इज वेरी नाइस लवली पर्सन. हम सांसद में मिलते हैं, हम लोग हमेशा नमस्ते नमस्ते करते हैं. मोदी जी इज ऑल्सो वंडरफुल पर्सन, एवरीबॉडी इज फाइन. वो कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से नफरत होती है.
नफरत होती है, बहुत गलत बात है। बीजेपी वाले नफरत नहीं करते? नहीं, नफरत उफरत नहीं, जो 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 पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, जो मोदी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके बारे में गलत बोलते हैं, तो उसके लिए ही नफरत का पैदा होता है इसमें, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग विच ऑल दिस ईयर्स किसी ने नहीं किया, वो सब काम मोदी जी कर रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग रिमार्केबल वॉट ही इज डूइंग, सो दैट कांग्रेस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट। अरे ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज उन लोगों ने तो सिर्फ राजनीति चलाई, दे मेड इट एज आई थिंक लाइक ए बिजनेस, so so many scams was happening and all. अभी कौन सा scam है? There is nothing else. वो राफेल बोल रहे हैं, राफेल ऐसे कुछ भी बोलना है करके बोल रहे हैं, इसमें कोई ट्रूथ तो है ही नहीं है, विच एवरीबडी द होल पब्लिक नोज अबाउट इट, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। आप दूसरी बार आप सांसद बन के जाए और फिर मोदी जी की सरकार हो, आपको बोला जाए कि आप कौन सा मिनिस्ट्री चूज करेंगी, तो कौन सा मिनिस्टर बनना चाहेंगे आप? वो सब बाद में देखेंगे। मिनिस्टर तो बनना चाहेंगे आप? जनता की मांग है, मेरी नहीं है। तो ये जनता की मांग तो पूरी होनी चाहिए। देखेंगे, उसमें थोड़ा पर्सनल व्यक्तिगत इच्छा भी होती है। आपकी भी है? I don't want to say anything now. हेमा जी, आपके हिसाब से अब आप तो आप सांसद हो गई हैं, आपने बहुत पॉलिटिक्स देख ली है, आपके हिसाब से यूपी में बीजेपी की कितनी सीट्स आएंगी? जितना पिछले बार आया उससे ज्यादा आनी चाहिए। पिछली बार ये हम ऐसे नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमने किया है काम, इसका लोग में मालूम है, लोगों को, जन जन को, देश के देशवासियों को मालूम है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई लोग ना खुश हैं, वो इट इज़ ओनली फॉर द टाइम बीइंग, एंड वो भी सब बिजनेसमैन को मालूम है। मैं भी बहुत सारे बिजनेस लोगों से मिलती हूँ, दे ऑल से आई नो एट द मोमेंट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट इन द लॉन्ग रन फॉर द कंट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा बोलने वाले कितने बिजनेस के वर्ल्ड से हैं जुड़े हुए, दे ऑल अप्रिशिएट व्हाट मोदी जी इज डूइंग, एंड ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त पूरा देशवासियों को हमारे साथ जुड़कर मोदी सरकार को आगे लाने में। अगर इसमें कोई गलती हुई तो इट विल बी वेरी वेरी सैड, इट विल बी, बट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री मैन टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द टाइम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ मोदी सरकार एंड ब्रिंग दिस सरकार कम अप। एक बीजेपी का पुराना नारा होता था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब लोग कह रहे हैं वो नारा बीजेपी भूल गई, मथुरा वालों का तो कुछ हुआ नहीं, अयोध्या में तो अभी भी राम मंदिर की लड़ाई चल रही है, यहाँ का क्या होगा? यहाँ का तो मैं कर रही हूँ ना, कितना करना, यहाँ के क्या करना। एक आरोप ये लगता है कि आप पिछली सरकारों को कुछ मानते नहीं, आप कहते हैं कि 2014 से ही सब कुछ शुरू हुआ, पिछली सरकारों ने जो काम किए उनको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते। आप भी दिल्ली से आती हैं, जैसे यहाँ पे तो वो एक्सप्रेसवे है, वो समाजवादी पार्टी सरकार कहती है हमने बनवाया था। नहीं, कुछ कुछ किया है उसका मैं अप्रिशिएट करती हूँ कुछ, लेकिन इन जोरदार तरीके से जो होना चाहिए, क्योंकि सब डरते हैं काम करने को, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीबडी, आई थिंक दैट इज नॉट द थिंग इन व्हेन यू वांट टू डेवलप ए कंट्री देयर विल बी सो मेनी अपोजिशंस, बट यू शुड फेस वेरी स्ट्रांगली एंड मूव अहेड एंड ब्रिंग द नेशन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, यू शुड ब्रिंग इट अप। So that should be the motive of each and everyone, whoever comes into politics. ये बहुत ज़रूरी है, वो हिम्मत के साथ जो काम करते हैं वो सिर्फ मोदी जी हैं। So hats off to him, and I am very, very, very proud to be part of this time. And when the whole country is seeing a very change, a great transformation taking place, so I am going to be part of it. So each and everyone, that's what I tell, ki aap sab log is waqt saath mein rahiye, kyunki jab aage desh after 15-20 years, when your children will ask a question, you will feel proud that you were part of this change mein aap log bhi bhagidar hain. अगर आपने मिस किया तो द चिल्ड्रन द नेक्स्ट जनरेशन आर नॉट गोइंग टू पार्डन यू। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी हमसे बात करने के लिए।